आदाब दोस्तों, खैर मकदम है आप सभी का द डिस्पैच में, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शब्बीर बशीर। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले इनका नाम ही जानते हो और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है डिस्पैच में। थैंक यू सो मच। आपसे सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग हो और आप क्या करते हो। मेरा नाम बाबा मुंता है, मैं पांता चौक श्रीनगर से ही हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, एथलीट हूँ और सोशल वर्क करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो एथलीट्स में आई एम ए मार्शल आर्ट प्लेयर, 5 नेशनल गोल्ड लिए है मैंने मार्शल आर्ट्स में, जिसमें जीत कोंडो, तोंगिल मुडो और ताइक्वांडो आता है। और उसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविज्म में क्लास 12th से हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने टैकांडो की बात की, जी आपने मार्शल आर्ट की बात की, आपने सोशल एक्टिविस्ट की बात की, जी इनकी हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बचपन से ही शौक था मार्शल आर्ट का या उसके बाद ही शौक पैदा हुआ। नहीं, बेसिकली मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो उसके बाद वहाँ पे बच्चे जाते थे स्पोर्ट्स के लिए, मेरा स्पोर्ट्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। उसके बाद जब मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में जा रहे हैं बच्चे, तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी ट्राई दूँ। जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक दे वर किकिंग एंड ऑल दिस, सो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था मेरे लिए, एंड मैंने तब से कंटिन्यू किया। डॉक्टर इंजीनियर बनना तो शौक नहीं था, लेकिन हर किसी माँ बाप का शौक होता था, तो हमेशा ये रहता था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हमेशा मेरा ये होता था नहीं, जो भी बनूंगी कुछ अच्छा ही बनूंगी, हटके ही बनूंगी। तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम्स हो रहे हैं कंप्लीट, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने का शौक मेरा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, मार्शल आर्ट की मैं बात करूँगा, मार्शल आर्ट आपके जब जहन में आ गया, जब आपने देखा किसी को खेलते हुए, फिर आपने भी कहा कि नहीं, मैं भी जी ये खेलना पसंद करती हूँ, तो फिर स्टार्टिंग में आपके जो उस्ताद है, उस्ताद की मैं बात करूँगा, जी कौन रहे हैं जिन्हें अभी तक आपका साथ दिया है। मेरे स्टार्टिंग से दो कोच रहे हैं। एक तो अभी फ़िलहाल मैं यंग्स क्लब से हूँ, स्टार्टिंग में मेरे अर्शद सर और अब्बास सर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से मुझे काफ़ी लेट होता था, तो अर्शद सर वॉज द वन जिनके साथ मैं काफ़ी कनेक्ट हो गई, और वो मेरे बचपन से है कोच। अच्छा, ये पेरेंट्स की मैं बात करता हूँ, जी पेरेंट्स अक्सर जो, अगर लड़कियों की मैं बात करता हूँ, लड़कियों को डरते, मतलब बाहर छोड़ने में डरते हैं कि वो, अगर वो बाहर निकले, खुदा जी ना करे माहौल ऐसा नहीं है बाहर, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा और क्या वो उस टाइम कहते थे जब आप मार्च लड़ते हैं। स्पोर्ट्स हमारे घर में, अगर मैं घर की बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स एक नई चीज़ थी हमारे फैमिली में, और जब मैं स्पोर्ट्स लेके गई तो दे वर लाइक कि ना यू शुड स्टडी रादर देन डूइंग दिस, और मेरा था कि नहीं नहीं मुझे इसी में जाना है। उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर जब मैं आई मेडल्स लेके वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा अभी सपोर्ट मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अभी वो भी खुश है मेरे काम से। अच्छा, पहला मेडल जब आपने नेशनल जीता है, तो वो कहाँ पर आपने जीता। वो पहला इन्विटेशनल कश्मीर से ही था अच्छा, कश्मीर से, जी, वो तो मेरा गोल्ड नेशनल था, दूसरा मेरा गोवा से था। गोवा से। जी तो चलो, कश्मीर की बात अलग है, गोवा की बात बहुत ही दूर है। जब जी आप गोवा की तरफ रवाना हो गए, तो किस कैसी फील महसूस हुई, कैसा आपको लगा कि जब आप गोवा की तरफ रवाना हुए खेलने के लिए। फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आई वॉज नॉट द ओनली वन विद माई अकेडमी, बहुत सारे बच्चे थे हमारे साथ, तो उनके साथ रह के मतलब काफ़ी कुछ मैंने गेन किया है, और फीलिंग तो बहुत ही अच्छी थी। दैट नए वॉज दोस्त भी मिलते हैं जी और नए दोस्तों के साथ साथ पुराने दोस्त भी भूल जाते हैं, और पुराने दोस्तों में अभी तक वो दोस्त जो, जिसकी कोई बात याद हो, जिसकी कोई ऐसी बात आपको याद हो जो आपके दिल दिल में छूती है, वो कोई ऐसी बात है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे दोस्त पहले से थे वो अभी भी है, और नए तो ऐड हो ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल जो आपने लाइफ में किया हो, अपने मार्शल आर्ट के लिए, अपने जो टाइकांडो है उसके लिए कोई ऐसे स्ट्रगल किया है जो अभी भी आप याद कर रही हो। लुक, अगर हम देखें तो कश्मीर में एक छोटा आर्टिस्ट हो या चाहे छोटा सा ही एथलीट क्यों ना हो, हर किसी का स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल अगर देखें कि यहाँ पे अनरेस्ट काफ़ी है, तो वो एक स्ट्रगल बन जाता है हर किसी के लिए। दूसरा, अगर मैं पर्सनली बोलूँ, तो पर्सनली मेरा ये स्ट्रगल था कि आई वॉज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, नाउ दे आर सपोर्टिंग मी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हूँ घर में, तो उनके लिए शायद मैंने वे ऑप्ट किया है आई थिंक, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, तो ऐसा होता है कि कभी उनको नहीं अलाउ करते हैं, लाइक ही इज़ इन फुटबॉल, तो अब उनको अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन आई एम द वन जिनको वो आके बोलते प्लीज़ मुझे अलाउ करवा दो। एंड तो ऐसा है कि स्पोर्ट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वास्ट। आपने बोला 5th से मैं खेल रही हूँ, जी तो 5th से लेकर अब तक
आपने कभी ऐसा सोचा खेल के वक्त कि नहीं अब मैं खेलना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे ये छोड़ना चाहिए? क्यों ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में कि आपने सोचा नहीं मैं उसको तलब कर दूंगी, मैं अब खेलना नहीं चाहूँगा? ऐसा तो मोमेंट नहीं आया, लेकिन स्ट्रेस होता है कभी, एग्जाम्स वगैरह तो काफ़ी टफ होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ पीरियड के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा है। वरना कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूँ बस, अब इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई थॉट मेरे दिमाग में नहीं आया। आपके सोशल एक्टिविस्ट की बात, आपने बोला कि मैं सोशल जी, एक्टिविस्ट भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट में आप क्या क्या करते हो? सोशल एक्टिविज्म में लाइक चैरिटी वर्क इज़ द मेन आई थिंक, और सोशल मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ और अभी कर भी रही हूँ, तो दे आर द टू मेन थिंग्स जो मेरा मोटिव है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बार बार हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। आपको लगता है कि कहीं जगह जो लड़कियां हैं उन्हें ज़्यादा जो ऊंचा ऊंचा नहीं दिया जाता, ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता, आपको लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर वादी में ऐसा होता है? यहाँ पे बेसिकली इंटरमिंगल होती है बातें। यहाँ अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इस्लामिक रिलेशंस के साथ उसको जोड़ा जाता है, मे बी यू आर अ फेमिनिज्म सो यू आर एंटी इस्लामिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि इक्वालिटी देना, जो हमारे लाइक हमें है इक्वालिटी चाहिए स्टडीज़ में या स्पोर्ट्स में, ये इक्वालिटी हमें चाहिए। ये नहीं है कि नहीं वी वॉन्ट मतलब समथिंग हायर देन बॉयज़ और ऐसा कुछ। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो कश्मीर में नहीं, ये तो हर कहीं जगह पे है, तो उसको ख़त्म करें। ये मेरा काम नहीं है, आपका भी काम है, हर किसी का काम है, तो दिस इज़ आई थिंक कि इसको इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो दिस इज़ इट। मुंतहा पहले एक आम एक लड़की थी, जी अब ये पूरे वादी कश्मीर में फेमस हो गई है। जी जब आपके सामने एक मीडिया पत्रकार जब आपके सामने आता है तो हर किसी नर्वस हो जाता है। जब आपके सामने कोई ऐसा पत्रकार आया, ऐसा मीडिया पर्सन आया, तो कैसा लगा आपको, कैसी फीलिंग उसको थी? फीलिंग वॉज नॉर्मल बिकॉज मैं लिटरली मीडिया में नहीं आई हूँ सिंस फिफ्थ। आई हैव बैग्ड 5 नेशनल्स एंड काफ़ी सारा मैंने किया है सोशल एक्टिविज्म वगैरह, लेकिन फीलिंग हाँ, जब आपको पर्सनली जानते हैं लोग कि आपको वहाँ से कॉल्स आते हैं, नहीं आपने ऐसा किया है, वी वॉन्ट यू टू कम हेयर एंड ऐसा कुछ, तो काफ़ी अच्छा कहीं लगता ऐसे है। इवेंट्स भी आपने ये किए होंगे जिसमें आप खुद आपको इनवाइट किया गया हो, या आपने खुद भी ये किए होंगे इवेंट्स? ऑर्गेनाइज अभी करने जा रही हूँ इवेंट्स, खुद भी ऑर्गेनाइज किए हैं टीम के साथ, और इनवाइट भी हुई हूँ एक दो अच्छा, आप इवेंट्स में। अपने टीम में हेड हो? या आई एम इंडिविजुअली डूइंग इट, अच्छा, कैसे मेंटेन करते हो आप जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ, कैसे कॉपरेट करते हो, आई कैसे डोंट हैव कुछ? एनी टीम मेंबर, अच्छा आई एम डूइंग इट इंडिविजुअली, जो भी है। अच्छा इंडिविजुअली आप? जी अच्छा, आपका कोई टीम मेंबर नहीं है। नहीं अच्छा, जब कोई इवेंट होता है तो तब आप कौन 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 आता है आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि इवेंट में एक ही कर नहीं या सकता है ना, कोई ना कोई या होना वी चाहिए। नीड लुक वी नीड क्रू, वी नीड लाइक होस्ट्स एंड ऑल, सो दिस इज़ द थिंग विच आई कैन मैनेज, एंड देन आई कैन लाइक सेपरेट देम ना ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मैं उनको फिर बोल सकती हूँ, सो दिस इज़ इट। अक्सर यहाँ पर पेरेंट्स हैं, आपने जी देखे होंगे पूरे वादी कश्मीर में, चाहे वो मैं लड़कों की बात करता हूँ या लड़कियों की बात करता हूँ, सपोर्ट उनको नहीं दिया जाता है, चाहे उनमें टैलेंट कहीं ना कहीं हो। अब लड़के या लड़कियाँ खुद कोशिश करते हैं कि हम अपना टैलेंट बाहर निकालें, जी लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उन पेरेंट्स को, क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो अपने माँ बाप का जो भरोसा है वो जीत सके? मैं अपनी बात करूं, व्हेन माय फैमिली वाज नॉट इनटू स्पोर्ट्स, तो मुझे ऐसा भी नहीं रोका गया कि नहीं आप तो नहीं जा रहे हो, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा था कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव नहीं थे, मे बी उनको लगा था नहीं दिस इज समथिंग एल्स, तो ऐसा होता था। मुझे बचपन से मम्मा आती थी साथ, इवन 12th क्लास तक स्टेडियम हमेशा जब भी मैं जाती थी, तो देन उसको लगा कि नहीं नाउ शी कैन हैंडल इट, तो सपोर्ट ऐसे अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स नहीं मैं मतलब नहीं जाना चाहिए बच्चों को, लेकिन उनका है मतलब वो जाना चाहते हैं उसमें या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको अगर लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट मतलब अच्छा वे नहीं है, आप पहले जाइए, आप पहले बच्चों का सुने, उनका देखे कि वो क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आपको फिर मतलब हाँ पेरेंट्स तक होता है फिर उनकी मर्जी, अगर उनको लगा सेटिस्फाई हुए देन इट्स ओके, इफ नॉट देन मे बी अगर बच्चे में इतना विल है दे कैन मोटिवेट देयर आपकी पेरेंट्स। आखिरी मैसेज क्या रहेगी? आखिरी मैसेज ये रहेगी कि टैलेंट को मत छुपाइए, गर्ल्स को सपोर्ट करें,
विच वी सेना कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करे, विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ बढ़ावा दे. विमेन्स बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ. और ऐसा नहीं है कि लाइक उनको स्ट्रगलर मत बनाइए, या चाहे यहाँ का कोई भी आर्टिस्ट हो, वेदर मेल हो या फीमेल, अपने टैलेंट को लेके आगे आए. चलो, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे थैंक हमारे यू सो मच. साथ मुंतहा, जो कि मार्शल आर्ट और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। और आपको पता होगा कि आज 14 नवंबर है, यानी कि बच्चों का दिन, जिसे आप इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे कहा जाता है। उस चिल्ड्रंस के डे के मौके पर हमने आज अपने मेहमान के साथ बात की, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद होगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरा पर्सन, देखते रहे बड़ी खबरों के साथ।